हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। क्या यार, किस्मत ही खराब है। गाड़ी खराब हो गई, नेटवर्क नहीं मिलेगा। हाँ यार, क्या करूं। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मेरी जान बख्श दो, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूं। गद्दारों से जिंदगी छीनी जाती है। तूने क्या सोचा था, तू लंदन फोन करेगा और हमें पता भी नहीं चलेगा है? देखो, तुम लोग ये जो कुछ भी कर रहे हो ये सही नहीं कर रहे हो। मेरी राय मानो, तुम लोग ये छोड़ दो। देखो, इससे लाखों लोगों की जान जा सकती है। अफसोस कि उन लाखों लोगों की जान जाते हुए तुम देख नहीं पाओगे हैव अ सेफ ट्रिप टू हेल। गुड बाय। ये क्या किया तुमने? क्यों मारा से? अरे तू ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा भाई, तेरा तो रोज का काम है ये। मगर गद्दार था ये। कौन है? मारो उसे। ज्यादा दूर नहीं गया होगा, यहीं कहीं होगा। राघव उधर देख, तू उधर देख शेरा, मैं इधर देखता हूं। मुझे मत मारो, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे मत मारो। तू गलत वक्त पे गलत जगह पे आ गया, तुझे मरना होगा। नहीं, मुझे सर, मैंने ही आपको कॉल किया था। लाश कहाँ? सर आई, सर वो रही लाश। कब देखा कब आपने? सर सुबह टहलने निकला था मैं, तो मेरी नजर अचानक उस पर पड़ी, तो मैंने जाके चेक किया तो वो इंसान मरा हुआ लगा मुझे सर। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा काम किया है। आप इनका फोन नंबर वगैरह ले लो, जरूरत पड़ेगी तो आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। थैंक यू। जेब में कुछ आईडी या मोबाइल फोन वगैरह नहीं है? सर, फिर से ये खून लूटपाट के इरादे से ही हुआ है, क्योंकि मोबाइल फोन और वॉलेट दोनों ही गायब है। आसपास जरा चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। आप अंकल, अरे एक और लाश। हाँ सर, और इसके पास भी कोई आईडी या सेलफोन नहीं है। लगता है खूनी जानबूझ के विक्टिम्स की पहचान छुपाने की कोशिश कर रहा है। इसको तो कंधे पे गोली मारी है। एक जगह पे दो दो बॉडीज। चलें।
ये आवाज कैसे आ रही? जाके देख। ये कैसे हो गया? सर, हमने बड़े बड़े केस देखे सीआईडी में, मगर आज तक ऐसा केस नहीं देखा जिसमें मुर्दे जिंदा होते हैं। रेडी? एकदम सही कह रहे, आज भी तुमने ऐसा कोई केस नहीं देखा, क्योंकि रमेश कभी मुर्दा था ही नहीं। सरन के तो क्या कह रहा है, मर्डर सीन पर हमने जाके अच्छी तरह से देखा है, ये रमेश, इसका हार्ट बीट नहीं था, इसकी पल्स नहीं थी, इसकी सांसें भी नहीं चल रही थी। मानता हूं फिर? बस मैं तुम्हारी सारी बातें मानता हूं, लेकिन फिर भी कहता हूं कि इसकी वजह मौत नहीं थी। तो फिर क्या वजह थी बता? उसकी वजह थी ज़ेनियम नाम का एक केमिकल जो मुझे रमेश के खून में से मिला। ज़ेनियम? यस मिस। ज़ेनियम? ज़ेनियम? ये कैसा केमिकल है? रमेश घबराओ मत, अब उस केमिकल का असर खत्म हो चुका है। मगर डॉक्टर साहब, ये केमिकल आखिर करता क्या है? पूर्वी ज़ेनियम, ये ज़ेनियम एक ऐसा केमिकल है जो शरीर के अंदर जाने से उस आदमी की पल्स बंद होने लगती है, उसकी हार्ट बीट बंद होने लगती है, उसकी सांसें भी बंद होने लगती है, यहां तक कि ऐसे लगता है कि वो आदमी मर चुका है। तरंगे? यस बॉस। और डॉक्टर साहब, इस केमिकल ज़ेनियम का असर कितनी देर तक रहता है? लगभग 12 घंटे तक। 12 घंटे? अच्छा रमेश, जरा ये अच्छी तरह से सोच के बताओ कि तुमने बेहोश होने से पहले क्या खाया पिया था जिससे ये केमिकल तुम्हारे पेट में गया? नहीं सर, मैं तो घर का ही खाना खाता हूँ, वो भी अपने हाथ से पका के। नहीं 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 सचिन, ये ज़ेनियम उसके खाने में से नहीं गया है, क्योंकि ये ज़ेनियम का असर तुरंत हो जाता है, जैसे ही शरीर में गया असर तुरंत। बिल्कुल 15-20 सेकंड के अंदर अंदर इंसान चित। रमेश एक बात बताओ, बेहोश होने से ठीक पहले क्या हुआ था, याद है? नहीं सर, कुछ नहीं हुआ था, मैं तो बाइक पे जा रहा था। अरे मान लिया तुम बाइक पे जा रहे थे, मगर कुछ तो हुआ होगा ना, कुछ तो हुआ होगा जो वो केमिकल ज़ेनियम तुम्हारे शरीर में गया है? समझे? जरा फिर से चेक करिए। ओके। जरा अपनी कमीज के बटन खोलो। बॉस, ये देखो यार सारुंके, ये तो किसी धारदार हथियार से कट किया है। लेकिन सर कोई ऐसा क्यों करेगा? रमेश को मारने की कोशिश करके ये क्यों दिखाना चाहेगा कि वो मर चुका है? सचिन, भटकाने के लिए किया गया ये, भटकाने के लिए। ये तो कोई तभी करेगा जब उसका इरादा मारने का ना हो। रमेश याद कर, अपने दिमाग पर जोर डाल, किसने वार किया? क्या क्या तुमने? ये कौन है? मुझे मत मारो। गलत वक्त पे गलत जगह पे आ गया, तुझे मरना होगा। आ!
क्या हुआ? इसको तो लुढ़का दिया। तुम लोग जाओ, मैं इसकी लाश को ठिकाने लगाता हूँ। जल्दी आ। बहुत ही लंबा चौड़ा आदमी था वो, 6-7 फुट से लंबा, 2.5 किलो के उसके पहलवानी हाथ और भयानक सा चेहरा। चेहरा याद है उसका? हाँ सर, जिंदगी में कभी उसका चेहरा मैं भूल नहीं सकता। तो फिर रमेश, उस आदमी का स्केच बनवाओ हमारे लिए। अब मुझे शक होने लगा है। कैसा शक? यही कि कहीं तुम लोगों ने मुझे यहाँ टाइम पास करने के लिए तो नहीं बुलाया। टाइम पास? जेनस, तुम्हारी शादी हो गई है क्या? नहीं, क्यों? तभी एक नई नवेली दुल्हन पहली बार जब ससुराल आती है ना, तो ससुराल वालों के सामने घूंघट उठाने में जरा शर्माती है, थोड़ा हिचकिचाती है, और उसके बाद जब वो घूंघट उठाती है तो उसको मुंह दिखाई मिलती है। अंडरस्टैंड? आई वेरी वेल अंडरस्टैंड। कहीं अपनी शादी करवाने के लिए तो नहीं बुलाया मुझे? अरे नहीं, मैं तो तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा इंतजार करो, तुम्हें भी तुम्हारी मुंह दिखाई बहुत जल्दी मिलने वाली है। हाँ बुआ, कुछ पता चला? नहीं बॉस, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन बहुत जल्दी उस बड़ी मछली की जन्म कुंडली हमारे हाथ में आ जाएगी। इस बार कैसे भी, किसी भी तरह वो बड़ी मछली हमारे जाल में आनी चाहिए, कैसे भी। हाँ बॉस, सिर्फ मछली नहीं, एक दो मगरमच्छ भी आ जाएंगे फ्री में। और हमारे दूसरे प्लान का क्या हुआ? सब ठीक जा रहा है ना? प्लान के मुताबिक तो अब तक सब कुछ ठीक ही जा रहा है बस, और दुबई की अगली फ्लाइट से सामान भी पहुंचने वाला है। गुड, वेरी गुड। दुबई से आ रहे हैं आप? जी। किस काम से गए थे दुबई? बस यूं ही छुट्टियां मनाने गया था। छुट्टियां मनाने? तो कैसी रही आपकी छुट्टियां? कहाँ कहाँ गए आप? कुछ भी नहीं, वो क्या है कि होटल का कमरा इतना अच्छा था कि बाहर निकलने को दिल ही नहीं कर रहा था। ऑल राइट, वैसे कौन से होटल में ठहरे थे आप? वो रेसिडेंसी कुछ, वो सॉरी भूल गया। भूल गए? कोई बात नहीं, होता है। ये आपका बैग है? जी। क्या है इस बैग में? कुछ नहीं, बस कुछ ऐसे ही कपड़े हैं बस। दुबई से लेके आए? हाँ जी। नहीं, ये इंडिया के कपड़े ही हैं।
देखे जरा, आखिर किस किस्म के कपड़े आप पहनते हैं? देखिए ये आप क्या कर रहे हैं, अब ये देखिए आप, सिक्योरिटी इन अंदर लेके आइए। देखिए आप मुझे बिना वजह परेशान कर रहे हैं आप, ये क्या बात है भाई साहब, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? इट्स जस्ट अ रूटीन चेक। अरे भाई साहब सब ठीक तो है? पागल हो गए तुम, ये कैसे हो सकता है? ये आदमी ये कर ही नहीं सकता। मालूम है ये कौन है? नहीं सर, यही था वो आदमी, मैं कह रहा हूं ना, यही था वो जिसने उसको मारा था और मेरे ऊपर भी हमला किया। इसलिए तुम पर भी हमला किया? अभी पता चलेगा, दूध का दूध और पानी का पानी। फोन लगाओ दया को। दया सर का मोबाइल बंद आ रहा है सर, वो कल से बंद आ रहा है सर। कल से वो ब्यूरो में भी नहीं आ रहे, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं क्या? जरूर किसी मुसीबत में फंसा है दया, ने तो हमें फोन करता, और फिर इसीलिए मैं कहता हूं इसे जिंदा रखने के लिए उसने इसे केमिकल दिया है। दूसरे आदमी का क्या, फिर समझ में नहीं आ रहा है दया ऐसे इस मामले में, इस चक्कर में फंसा कैसे? चलाते ये लोग गाड़ी, भाई साहब आप ठीक है? ये तो मर चुका है। चाकू? केमिकल भी है इसके पास, चाकू, गन, राइफल, ये केमिकल, तुम करना क्या चाहता है? सारे फेक आईडीज, जरूर ये आदमी कोई मुजरिम है, कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर। इसका मोबाइल कहाँ है? फिंगरप्रिंट, खुल गया। एक मैसेज आया हुआ है, आज 11 बजे होटल ब्लू स्टार में कमरा नंबर 422 में मिलना। कमरा नंबर 422? 20 मिनट बचे हैं, फोन करता हूं। मेरे फोन के बैटरी को भी अभी जाना था। ये आदमी क्या जुर्म करने वाला है इसका पता करने के लिए मुझे खुद जाना पड़ेगा कमरा नंबर 422।
पंक्चुअल है, शायद वही है। देखो तुम हो जेनस। आधे पैसे तुम्हारे अकाउंट में डलवा चुका हूं और बाकी के काम खत्म होने के बाद। ठीक है, काम क्या है? वक्त आने पे सब पता चल जाएगा क्या काम है। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? फोन पर तो कुछ अलग सुनाई दे रहे थे। 105 तरह की आवाज में बात करने की कला जानता हूं मैं। न जाने कब कौन सी आवाज इस्तेमाल करनी पड़े। वाह, कमाल है, कोहिनूर हीरा है, कोहिनूर, वाह। भाई हम जो काम करना चाहते हैं इससे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। बस मुझे इस आदमी पर शक है, कुछ तो गड़बड़ है। आप कहो तो वो पहेली पूछो इससे। वैसे तो इसकी कोई जरूरत है नहीं, फिर भी अगर तुम चाहो तो अपनी तसल्ली के लिए पूछ सकते हो। क्यों जेनस, ठीक है ना? अच्छा एक बात बताओ, जंगल का राजा कौन होता है? वुल्फ, भेड़िया। भेड़िया जंगल का असली राजा है, क्योंकि कोई उसे पालता नहीं है। बिल्कुल सही जवाब। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि पूछने की जरूरत ही नहीं है। अब तो तुम सब लोगों को यकीन हो गया यही जेनस है। चलो तुम सभी लोग अपने अपने मोबाइल फोन्स स्विच ऑफ करके इस बॉक्स में डाल दो। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि ये टॉप सीक्रेट मिशन है। कोई और फोन है तुम्हारे पास?
मेरा काम ही कुछ ऐसा है कि एक दो फोन रखने पड़ते हैं, भूल गया था मैं। ए, रमेश याद करो, अच्छी तरह से याद करो, अपने दिमाग पर जोर डालो। कुछ सुना तुमने? कुछ तो सुना होगा, तुम्हारे सामने बातें हुई होंगी। कोई जन कह रहा था कि पार्सल कल तक आ जाएगा। पार्सल? हेलो, ठीक है, पहुंच रहे। खतरनाक ड्रग्स। जी हाँ, ये ड्रग इतना खतरनाक है कि जैसे ही पैकेट शरीर के अंदर फटा, ड्रग खून में मिक्स हो गया और इस आदमी का अंत हो गया। सर, लोग भी क्या क्या तरीके इस्तेमाल करते हैं ड्रग्स की तस्करी के लिए, अपनी जान तक की फिक्र नहीं होती इन्हें। अच्छा खासा पैसा मिलता है तस्करी करने के लिए, इसीलिए तो अपनी जान की बाजी लगाते ही ये ड्रग्स इस तरह से बेचने के लिए। डॉक्टर साहब, और कोई डिटेल वगैरह मिले इसके बॉडी पर से, कोई एड्रेस वगैरह, शायद ये ड्रग्स वहीं पहुंचाने हो? जी नहीं, और कुछ नहीं मिला। ठीक है, आप अपने सारे टेस्ट कर लीजिए और फिर रिपोर्ट भेज दीजिए, पता तो चले कि ये कौन से ड्रग्स हैं। ओके सर। हाँ, ये रमेश किसी पार्सल के बारे में कुछ बता रहा था ना। पार्सल कल तक आ जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ड्रग्स के पार्सल की बात कर रहा था? हो सकता है सचिन, वो पार्सल ड्रग्स का पार्सल ही हो सकता है। पता नहीं और कितने लोग इस शहर में घुस गए होंगे इस तरह से ड्रग्स अपने शरीर में छुपाकर। ओह रियली? ओके, गुड, थैंक यू जेनस, माय डियर फ्रेंड। बिरयानी पक्के तैयार हो चुकी है। नहीं समझे? मैं समझाता हूं। जिस घड़ी का तुम्हें बेसब्री से इंतजार था वो आ गई है। जिस आदमी को तुम्हें खत्म करना है वो कंट्री पार्क होटल में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नाम क्या है उसका? बस बस, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अब कौन सी गड़बड़ हो गई? बॉस, वो एयरपोर्ट पर हमारा कुरियर पकड़ा गया। कैसे? बॉस, शायद पैकेट उसके बॉडी में फट गया और वो मर गया। बाकी के सब लोग कहाँ? बाकी के सब लोग सही सलामत पहुंच गए हैं, बस एक मर गया इसलिए पकड़ा गया। कोई फर्क नहीं पड़ता, एक आदमी पकड़ा गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी का बचा हुआ माल काफी है हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। बॉस, एक खबर और है। कालिया बता रहा था कि सीआईडी वाले जेनस को ढूंढ रहे हैं। जेनस, ये क्या सुन रहा हूं मैं? सीआईडी वालों को तुम्हारी भनक कहां से लग गई? कैसे? अब मुझे क्या पता? मैं नहीं पता तो किसे पता? जरूर इसी ने सीआईडी वालों को बताया होगा। मैंने आपको पहले ही कहा था ये आदमी गड़बड़। सीआईडी तो दूर की बात है, आज तक किसी कांस्टेबल को भी मुझ पर शक नहीं हुआ।
मुझे तो लगता है तुम्हारे गैंग में कोई गद्दार है। तुम्हारे गैंग का कोई आदमी है जिसने मेरी खबर दी है सीआईडी को। बकवास मत कर अब तू। और तेरी हिम्मत कैसे हो गई हम पे इल्जाम लगाने की? मुझे तो इस बुआ पे ही शक हो रहा है। यही है कौन संभाल के बात। स्टॉप इट, स्टॉप इट। नो, ये नहीं हो सकता। पिछले 10 सालों से मेरा वफादार है ये। तो ठीक है, सबके मोबाइल फोन चेक कर लो, पता चल जाएगा कि गद्दार कौन है। राइट, फोन वाला बॉक्स लेके आओ। देखिए फोन को अच्छी तरह से चेक करो, इसी से पता चलेगा कि गद्दार कौन है। बॉस, एक फोन नहीं है। किसका? इस भुआ का ही गायब होगा। ये रहा मेरा फोन। तो फिर किसका फोन गायब है? राका, तेरा फोन कहाँ है? मालूम नहीं बॉस। मालूम नहीं? तलाशी लो इसकी। सच कह रहा हूँ बॉस, मेरे पास नहीं है फोन मेरा। ये क्या है? मालूम नहीं बॉस, ये फोन कहाँ से आया मेरे पास? नो, इतनी आसान मौत नहीं देना इसको। इसके लिए तो कुछ बहुत अच्छा सोचेंगे। बताओ इसे। चल बॉस, बॉस मैं निर्दोष हूँ बॉस। अरे चल। क्रिकेट मैच का टाइम हो गया। सेंचुरी मार के लौटना माय डियर फ्रेंड जेनस। सेंचुरी नहीं, डबल सेंचुरी मारूंगा। कौन है? रूम सर्विस। रूम सर्विस? हमने तो कुछ मंगाया नहीं है सर। वो हमारे होटल की सालगिरह है आज, कॉम्प्लीमेंट्री पेस्ट्रीज दे रहे हैं तो वो ले आया। सालगिरह? विनोद जरा देखो कौन है। हाँ एक मिनट ना, मैं आपको मैं फोन करता हूँ। आई विल कॉल यू बैक। या अरे विनोद, केक तो अच्छा लग रहा है, जरा टेस्ट कराओ। कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचानते हो तुम? घर नीचे रखो। ए, घर नीचे रखो। मैं तो आपको पैसे चाहिए। पैसे? पैसे कितने चाहिए? सिक्योरिटी? चलो जल्दी। सर इसी फ्लोर के सीसीटीवी कैमरे में दया सर को देखा गया था। और सर ये मास्टर की, इससे सारे रूम के दरवाजे खुल सकते हैं। चल देखते हैं। सर आप ये देखिए सर, दरवाजे के बाहर खून गिरा हुआ है। सर जिंदा है? जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। सही तो सुनील जी है, ओशियनिक इंडस्ट्रीज के मालिक। सुनील जी आप लोग कौन? आइए। घबराइए मत, हम लोग सीआईडी से। घबराइए। बैठिए। घबराइए मत। हाँ ये लो पानी पी लीजिए। सर यहाँ पे गोली लगी हुई है। सुनील जी क्या हुआ यहाँ पर? ये गोली कैसे चली यहाँ? और ये क्या हुआ यहाँ पर बताइए? एक आदमी मुझे मारने आया था, पता नहीं मुझे मारे बगैर चला गया। आपको बिना मारे चला गया? एक मिनट, इसे देखिए, क्या ये
वही आदमी था जी? हाँ यही था, वो यही था। घबराइए मत सुनील जी, ये एक अंडरकवर सीआईडी ऑफिसर है। सीआईडी? हाँ सीआईडी ऑफिसर। मगर आप तो लंदन में रहते हैं ना, फिर यहाँ कैसे? एक बहुत बड़े अनहोनी होने वाली है, मैं बस उसी को रोकने आया हूँ। अनहोनी? कैसी अनहोनी? मुझे एक फोन आया था, उस आदमी ने बताया कि मेरा जो कंपनी का नया एनर्जी ड्रिंक लॉन्च होने वाला है उसे लाखों लोगों की मौत हो सकती है। एनर्जी ड्रिंक से लोगों की मौत हो सकती है? क्या ऐसा है क्या उस एनर्जी ड्रिंक में? मंदुरवा नाम की एक ड्रग है, अगर किसी को उसकी आदत लग गई समझ लो वो बस खत्म ही हो जाएगा। माय गॉड सचिन, वो आदमी जो एयरपोर्ट पे मर गया वो यही ड्रग अपनी पेट के अंदर स्मगल कर रहा था। हाँ सर, वैसे आपके रहते ये आपकी कंपनी में ड्रिंक बनी कैसे? मैं तो रिटायर हो चुका हूँ, अब मेरा भांजा कंपनी चला रहा है। तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं यही तो बताने वाला था। माय गॉड, क्या हुआ सचिन? सर आज एक्वा मॉल में एक नई एनर्जी ड्रिंक का प्रमोशन होने वाला है। हाँ? जहां पे इस ड्रिंक को हजारों लोगों को मुफ्त में पिलाया जाएगा। जिंटामोन एनर्जी ड्रिंक। सर सर ये तो वही एनर्जी ड्रिंक है मेरी कंपनी का। सर ये इवेंट वाले से रोकिए वरना अर्थ हो जाएगा, लाखों लोग मर सकते हैं। सर एक्वामॉल। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि आज मार्केट में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, एक नया एनर्जी ड्रिंक जिसका नाम है सेंटामोन। जैसा कि इस एनर्जी ड्रिंक की टैगलाइन ही कहती है कि जो इसको एक बार पिएगा वही सही मायने में जिंदगी जिएगा। तो आज इसी खुशी में हम आप सबके लिए लाए हैं उसके एक नए फ्री सैंपल। कोई ट्राई करना चाहता है इसको? क्या मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ? यस सर, आइए। हियर योर ड्रिंक सर, ट्राई इट एंड लेट अस नो। वाह क्या टेस्ट है, इसे पीते ही पूरे बॉडी में एनर्जी आ गई। देखा दोस्तों, मैंने कहा था ना जो एक बार इस ड्रिंक को पिएगा वो उसका दीवाना हो जाएगा। आप लोग ट्राई करना चाहते हैं ये ड्रिंक को? मैं इसको ट्राई करना चाहूंगा। कम ऑन कम ऑन सर, कम ऑन। देखा बॉस, कबूतरों को दाने का स्वाद पसंद आ रहा है। वाह कमाल हो गया, अब हमें मालामाल होने से कोई रोक नहीं सकता। क्या प्लानिंग चल रही है, क्या होने वाला मॉल में? मुझे कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता मतलब कुछ खाए बिना तो मुंह खोलेगा नहीं? पता तो जान से जाएगा। मारना मैं बताता हूँ, बस यही कहीं बस किसी एनर्जी ड्रिंक का उद्घाटन है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता सर। नई एनर्जी ड्रिंक का उद्घाटन है। कांग्रेचुलेशंस, हमारा प्लान कामयाब हो गया, मुबारक हो। और मेरा पैसा? तुम्हारा पैसा तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएगा। थैंक यू। रुक जाइए, कोई भी मत पीना वो जहर, जहर है उसमें। आइए रुकिए, चलो आइए आइए। ये सीआईडी वाले यहाँ कैसे आ गए? कोई नहीं पिएगा। ये सुनील जिंदा कैसे है? पता नहीं बॉस, सुनील को तुमने मार डाला था। निकलो यहां से फास्ट, मूव। अरे रे हाँ, जेनस तुम यहां क्या कर रहे हो? सीआईडी वाले आ गए हैं, भागो यहां से। अरे रे हाँ? इतनी भी क्या जल्दी है? सीआईडी वालों से मिले बिना कैसे जा सकते हो तुम? हाँ? क्या मतलब लंगूर की तुम? हाँ? ये कौन है पता है? ये हमारा सीनियर इंस्पेक्टर दया। मैंने आपसे कहा था ना ये आदमी गड़बड़ है। अगर मैंने इसकी बात मान ली होती ना तो आज तू जिंदा नहीं बचता। तू मारता गद्दार,
गद्दारों के हाथ में इतनी ताकत नहीं होती। बहुत मुंह खोल रहा है सर। वो रहा मेरा बांजा। पकड़ो उसे। जे, अपने इस मामा से नहीं मिलेगा। सर मैं क्या करता, कंपनी घाटे में जा रही थी और मामा जी हाथ पे हाथ धरे तमाशा देख रहे थे। मैं कंपनी का घाटा पूरा करने के लिए बाजार में एक नया एनर्जी ड्रिंक लाने का प्लान किया। और तुम नहीं चाहते थे कि जिंटेमोन का तुम्हारे नए एनर्जी ड्रिंक का दाव फेल हो जाए, इसलिए उसमें तुमने वो खतरनाक ड्रग मंद्रुआ मिला दिया ताकि पीने वालों को तुम्हारे उस ड्रिंक का लत लग जाए, है ना? हाँ, ताकि उसके बगैर लोग ना रह पाए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, जिस कंपनी को अपने मेहनत और ईमानदारी के नींव पे इतने साल मैंने इस कंपनी को खड़ा किया, उसी कंपनी के जरिए लोगों का विश्वासघात करने चले थे तुम। जब रुपयों से तिजोरी भरने का हो ना, ये सब कोई मायने नहीं रखते। मैं क्या करता, आप तो कंपनी को दिवालिया करके रिटायरमेंट ले चुके थे। मैं तो बर्बाद हो जाता ना, नया नया बिजनेस स्टार्ट किया था। जब पैसे तो सभी कमाते हैं, मगर पैसे कमाते वक्त जो अपनी इंसानियत को अपने आदर्शों को नहीं भूलता, वो एक अच्छा बिजनेसमैन कहलवाता है, समझे? मगर तुमने अपने लालच के लिए लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। अब जेल की सलाखों के पीछे अपनी एनर्जी रिंग के बारे में सोचते बैठना, तब तक फांसी का ऑर्डर तो आ ही जाएगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।